हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एम को दोस्तों हमने ये आपके सारे एम सी क्यू सेलेक्टेड लिए हुए हैं तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक तो शुरू करते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है तो जो आपके आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है वो हमारे उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड में वो स्थित है आपकी केदारनाथ में तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक कालीन शिला की भाषा क्या है तो जो आपके अशोक कालीन शिला है वो हमारे उत्तराखंड में देहरादून के कालसी से प्राप्त हुए हैं और जो इसकी भाषा है वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी पाली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है तो जो आपके पहाड़ों की रानी है मसूरी वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी मध्य हिमालय श्रेणी का अंग और अगर पहाड़ों का राजा पूछे तो वो है आपका चक्राता ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड का पामीर दुधातोली पर्वत श्रेणी किसका अंग है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य हिमालय का जो आपका उत्तराखंड का पामीर है जो कि आपका दुधातोली पर्वत श्रेणी को कहा जाता है ये स्थित है आपका पौड़ी गढ़वाल में ठीक है और यहाँ से आपकी मुख्य रूप से पांच नदियाँ निकलती हैं वो पांच नदियाँ कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं पहली है आपकी पश्चिमी रामगंगा फिर है आपकी पूर्वी नया फिर आपकी पश्चिमी नयार और फिर आपकी वूनो नदी और आखिरी है आपकी आटागाढ़ नदी ये पांच नदियां आपकी मुख्य रूप से आपकी दुधातोली पर्वत श्रेणी से निकलती हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है तो ये है आपका पिथौरागढ़ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ की जो स्थापना हुई वो हुई आपकी 1960 में ठीक है पुराना नाम पूछे इसका तो वो है आपका सौर घाटी सौर घाटी इसका पुराना नाम है और 1960 में इसकी स्थापना हुई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः तो आंतरिक सीमाओं वाले हैं आंतरिक सीमा यानी बाह बाहरी या अंतरराष्ट्रीय राज्यों से या देशों से इसकी जिनकी सीमा न लगती हो तो टिहरी और रुद्रप्रयाग भी हैं आपके रुद्रप्रयाग बागेश्वर भी है बागेश्वर अल्मोड़ा भी है तो इसका राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं उत्तराखंड राज्य में दून किसे कहा जाता है तो जो उत्तराखंड राज्य में आपका दून कहा जाता है वो कहा जाता है आपका संरचनात्मक घाटियों को ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है जो आपकी फूलों की घाटी है वो स्थित है आपकी चमोली में और अगर क्षेत्र पूछे तो ये स्थित है आपकी ऑप्शन नंबर बी बृहद हिमालय क्षेत्र में इसकी अगर स्थापना की बात करें तो वो हुई आपकी उन्नीस में और जो इसकी खोज हुई थी खोज की थी वो की थी आपकी फ्रैंक स्माइट ने ठीक है फ्रैंक स्माइथ ने आपकी फूलों की घाटी की खोज की थी और स्थापना जो हुई इसकी वो हुई आपकी 1982 में और अगर ऐसा पूछे कि खोज कब की गई फ्रैंक स्माइथ द्वारा तो वो की गई आपकी 1933 में ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी पर्वत शिखर और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है आपकी सात हजार आठ सौ सोलह ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजा सोमचंद्र का संबंध किस साम्राज्य से है तो जो आपके राजा सोमचंद थे वो थे आपके चंद वंश के राजा इन्हें चंद वंश के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के अंतिम शासक कौन थे तो जो आपके टिहरी रियासत के अंतिम शासक थे वो थे आपके मानवेंद्र शाह आपको पता ही होगा टिहरी में कुल आपके छह राजा हुए और जिनमें से आपकी आखिरी थे मानवेंद्र शाह और पहले थे आपके सुदर्शन शाह मानवेंद्र शाह के बाद आपका टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया उन्नीस में और डेट पूछे तो एक अगस्त उन्नीस को टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय हो गया और उस समय टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय होने के समय कौन राजा था टिहरी का तो वो थे आपके मानवेंद्र शाह और अंतिम शासक भी थे मानवेंद्र शाह आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था तो जो आपका कनकपाल था वो था आपका पवार वंश का शासक यह पवार वंश का संस्थापक के रूप में भी इसे माना गया है लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो माना गया है आपका कन अजय पाल को ठीक है वास्तविक संस्थापक आगे बढ़ते हैं कालसी के शिलालेखों लेखों का संबंध किस शासक से है तो जो आपके कालसी के शिलालेखों लेखों का संबंध है वो है आपका अशोक से ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध किस साम्राज्य से है तो जो आपकी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं उनका जो संबंध है वो है आपका कुड़िंद वंश से नेक्स्ट क्वेश्चन है सकलाना विद्रोह कहाँ पर घटित हुआ था तो जो आपका सकलाना विद्रोह हुआ वो आपका टिहरी में उन्नीस में ठीक है उस समय जो आपके राजा थे वो थे आपके मानवेंद्र शाह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका आखिरी क्वेश्चन है काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी तो जो आपकी काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी वो की थी आपकी ऑप्शन नंबर सी पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने ठीक है तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ ओके थैंक